हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। और रही आज की बात, मेरे को मोबाइल सेट कर दे तो फिर आप लोगों से बात करती हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं चंदमपुरी की यात्रा में, मेला घूमने जा रहे हैं। बहुत एक्साइटेड है मैं और मेरे भाई, क्योंकि अभी शादी का सीजन, मतलब मेरे शादी का सीजन चालू हो गया ना, तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा और उसको भी छुट्टी नहीं देती। तो आज उसको और मेरे छोटे भाई को मैं घुमा देती हूँ, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ घूमते, देखते कैसा होगा। गाइस, अभी हम लोग जाने का मतलब शुरुआत हो चुकी है। मैं मोजे पहन रही हूँ क्योंकि ना धूप और पैर बहुत खराब हो जाएंगे, और शादी का टाइम है तो थोड़ा मुझे संभल के रहना पड़ेगा। वरुण भी आया है तो हम तीनों लोग जाएंगे, मैं क्योंकि बताऊंगा। बता हम जा रहे चंदनपुरी, हमारा एक ब्लॉग था उसमें आपने देखा होगा। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग चंदनपुरी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके मुंह से सुन लो, चंदनपुरी जा रहे। बहुत लोगों ने देखा होगा, जो लोग यहाँ के होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन चलो चलते हैं। यात्रा शुरू हो गई है और भीड़ तो बहुत ज्यादा है। यही से पार्किंग आप लोगों ने पीछे ही कर दी है, ये इधर दोनों लोग। और चलो अंदर चल के आप लोगों को जितना दिखा पाऊंगी उतना दिखाऊंगी। बस दोस्तों, अभी इसी वाले झूले में हम लोग बैठने जा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस तो आपको ज़रूर बताऊंगी कैसा लगता है बैठने के बाद।
बोल। मुझे बहुत डर लग रहा था तब भी मैं बैठा। मुझे भी डर लग रहा है यार, दोबारा नहीं बैठूंगी। बैठ तो गई अभी, लेकिन अब नहीं। चालू हो जाए तब पता चलेगा क्या होता है। भाई साहब कितना बड़ा है यार, डर लग रहा देख के ही। चलो उतरना पड़ेगा ना, हो गया ना, उतरना है ना। दूसरी वाली राइड हम लोग इसमें करने वाले, अभी नंबर लगा चुके तो चलो चलते हैं अंदर। बस थक गए हम लोग, अभी चाय पीने के लिए बैठे, चाय पीते हो भाई। सामने छोटा वाला ऋषि आगे खेल रहा है, थक गए। हाँ गुब्बारों में खेल रहा है, हम लोगों को चाय पीनी है। आराम से पकड़ा, फाइनली कुछ खाने के लिए हम लोगों ने लिया वो आलू और पापड़ लिए। भाई कैसा है ऋषि? चलो गाइस फाइनली अब घर जाएंगे, देखते हैं गाड़ी कैसे निकालेगी। चलान है अच्छी बात। आई RTR 200 कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं यहाँ पे। आपाची आपाची RTR है, पल्सर बोल रहा है। वाह देखते हैं इसको क्या करेगी अभी ये। हैवी ड्राइवर दीदी। ओ निब्बा निब्बी देखो, निब्बा निब्बी छुट्टा बेटा रे बेबी गरी काय म्हणतात बरी कोणी घ्यायला यायला नाही राहिलं। बस मध्ये बसायचं, चाळीसगाव उतरायचं, चाळीसगाव पाटण्याला उतरायचं। म्हणजे त्या बस स्टँडला तो उतरशील ना। बहुत थकने के बाद हम लोगों ने जूस लेने का सोचा, तो चलो जूस लेते हैं। और वरुण जा रहा है मेरे ससुराल। हाँ मेरे हस्बैंड आ रहे आधे रास्ते तक, मतलब सिटी के बाहर मुझे वरुण को छोड़ने जाना पड़ेगा। तो वरुण अभी आ रहा है बैग लेके घर से, तो उसको छोड़ने। अभी तो मैं जा रहा हूँ जीजू के घर। ये लोग जाके आ गए दो बार तीन बार, मैं पहली बार जा रहा हूँ। सोया एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है जीजू के साथ। जाने का तो बहुत मन था तेरा। जाने का मन था बट नहीं जा पाए थे उस वक्त, तो क्या करे कुछ नहीं। बट हाँ अब जा पा रहा हूँ और जीजो के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है। और बाइक पे जा रहे हैं, तो मेरे दोस्तों को पता है बाइक कितनी पसंद है मुझे, मेरे घर वालों को भी पता है। तो हाँ बाइक पे जाने का मजा ही कुछ अलग है। मेरे बालों का कुछ करना पड़ेगा। फाइनली देखो 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 वो हीरो दिख गए।
बाय बाय, जा रहा मत। उसको छोड़ दिया मैंने, अभी वो लोग एक डेढ़ दो घंटे में पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। बस वरुण ने स्कूटी यहीं पे घर पे लगाई है, तो स्कूटी मुझे छोड़कर मतलब उसके घर पे लगाने के लिए जाना होगा। अभी नहीं जाऊंगी, अच्छे से फ्रेश उश होती हूँ तब जाऊंगी। डायरेक्ट स्नान ही कर लिया, क्योंकि बाहर से जब भी आओ ना तो बड़ा अजीब सा लगता है यार, नहा लो तो फ्रेश लगता है। और मुझे गर्म पानी से नहाना इतना ज्यादा पसंद है, क्या बताऊं मैं। थोड़ा मेकअप कर लूं, चेहरा सोना नहीं अच्छा लगता। मैंने गाउन पहन लिया और नीचे मैंने नाइट पैंट। अभी कहाँ जाना है, बस गाड़ी छोड़ने जाना है, तो अभी थोड़ा शाम हो जाएगा तो कुछ नहीं चलता है। वैसे तो नया गाँव में कैसा है बताना। रेडी तो हो चुकी हूँ, मैं सोच रही हूँ तुरंत स्कूटी छोड़ के आ जाती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे ही लेट हो जाएगा। ये रही स्कूटी की चाबी, लाइट ऑफ करती हूँ। स्वेटर पहन लें दो मुझे, क्योंकि गाउन पहना थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है यार। यहाँ पे मैंने स्कूटी लगा दी है, इधर गेट है, इधर से एंट्री, और इधर हमारे मौसी जी का किचन दिखता है, जो यहाँ से हमारी मौसी जी दिख रही। हाय करो बे, भांडा भांडा क्या करो, ऐसे हाय कर। हाय, और इधर हमारे वरुण नहीं, वरुण तो चला गया, धनु इधर, धनु हाय। मुझे अभी क्या पहना रहा है, ऐसे ऐसे पहना, सही से पहना, सही से पहना, सही से पहना ना। देखो गाइस इसके वाले बाल कैसी लग रही हो दोस्तों, बताना कितना मस्त लग रहा है इसको। क्या मस्त लग रही है, चुड़ैल जैसा। अरे नहीं, जज लग रही है, जज लग रही हो। ऑर्डर ऑर्डर, दो बिरयानी एक तंदूरी कबाब, ऑर्डर ऑर्डर। मेरे घर पे मैं आ चुकी हूँ, थोड़े टाइम वहां पे मौसी के घर पे बैठी थी, और इधर हमारे भाई साहब पढ़ाई कर रहे हैं, उधर हमारी मम्मी जी जो खाना बना रही है, और उनका ड्रेस कोड कुछ आज अलग ही टाइप का है। नीचे लहंगा है, कुर्ती है, फिर स्वेटर है, अजीब टाइप की आज मम्मी ने ड्रेस पहना है ठंडी के वजह से। बस दोस्तों आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। मम्मी हमारी अब चाय बना रही है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गला दर्द कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।